लोग बैठे हैं, सारे खड़े हो जाओ झूमते हुए। काजल टीको लगे वाले लोड़ राही कर वाले, काजल टीको लगे वाले लोड़ राही कर वाले, काजल टीको लगे वाले लोड़ राही कर वाले, काजल टीको लगे वाले लोड़ राही कर वाले। ओ बाबा थाने नजर लग जावेगी, हो बाबा थाने नजर लग जाए, बासुरिया पे गणोए तरावे, बास की बासुरिया पे गणो इतरावे, गणो बास की बासुरिया पे गणो इतरावे, बास की बासुरिया पे गणो इतरावे। कोई सोना की होती तो कोई सोना की होती, ओ हीरा मोती की होती तो हीरा मोती होती, तो जाने जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, अरे कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। देखो जिनको डांस करना अगर नहीं आता तो मैं डांस क्लास भी लेता हूँ, मैं डांस सिखा दूंगा, कोई फीस भी नहीं लूंगा। एक हाथ सिर पे रखो, एक हाथ सिर पे रखो, एक हाथ कमर पे रखो, अरे कमर पे रखो, जितने भी लोग खड़े हैं, जब तक सबका हाथ सिर पे और कमर पर नहीं होगा भजन नहीं गाने वाला आगे। एक हाथ सिर पे रखो जल्दी से जल्दी, और एक हाथ कमर पे, इधर से सभी भाई एक हाथ सिर पे एक कमर पे, भजन आगे नहीं बढ़ेगा नहीं रखोगे तो। फिर से उधर हाथ रखवाया तब तक इधर से आदर गया, हाथ रखो सिर पे और क्या कहोगे, अरे खाटू वाला तुम का लगाओ, अरे खाटू वाला तुम का लगाओ के बाबा को नाच के दिखाओ, खाटू वाला तुम का लगाओ के बाबा को नाच के दिखाओ, खाटू वाला तुम का लगाओ डालो सावरियो भगता।
मालवा के लोग हैं, मालवा में रीत होती घूंघट निकालने की। एक बार सब घूंघट ले लो, बाबा का घूंघट ले लो एक बार। एक बार सब घूंघट निकाल करके देखो, मेरे पास है नहीं, नहीं तो मैं घूंघट ले लेता बिल्कुल। एक बार बाबा का घूंघट लेते हुए बैठना नहीं है, नाचते हुए गाते हुए बाबा को रिझाना घूंघट लेकर। क्या कहोगे? हो घूंघटियो को ताली बजा करके दिखा दो। सभी की तालियां बजे एक बार। रिदम की आवाज बहुत कम हो, सिर्फ भक्तों की तालियां बाबा की तक पहुंचे। ओ तेरे भजनों को गाना सके, ऐसी वाणी का क्या फायदा। तेरे भजनों को गाना सके हो, ऐसी वाणी का क्या फायदा। से हाथों का क्या फायदा, हो तालियां जो बजाना सके, ऐसे हाथों का क्या फायदा। अरे क्या करोगे, इन हाथों का अचार डालोगे अगर ताली नहीं बजाओगे तो। चला उठाना दोनों हाथ, एक दो तीन चार। बाबा को ताली की सेवा करते हुए, बाबा का नाम समर्पित करते हुए इस भजन को समर्पित करेंगे बाबा के चरणों में। शाह बाबा तेरे पास
बोले श्याम प्यारे की, बोले लखदातार की जय हो, बोले हारे के सहारे की श्याम प्यारे की जय हो। बिल्कुल सबकी फरमाइशें पूरी होगी, जिसकी जो फरमाइशें सब बताते रहे, पूरी रात है आप है और हमें आदेश। हाँ, हमारे पंचेश्वर मंडल की एक फरमाइश जो अधिकांश रहती है वो लास्ट में, लेकिन दुखोगे तो सही लास्ट तक, वरना पिछले साल सोमवार जैसा काम नहीं हो जाए। आए पहले बाबा को 5 मिनट भाव से भजन सुनाए, 5-10 मिनट कुछ समय बाबा के चरणों में, क्योंकि दरबार से जुड़ना तो भाव से जुड़ना, कभी भी बाबा के दरबार की दौलत देखकर, बाबा के दरबार की चमक देखकर, बाबा के दरबार के प्रेमी देखकर कि बाबा के दरबार में आज लाखों की भीड़ जा रही है, तो उस दरबार से जुड़ जाओ। भैया बिल्कुल शांति से, भाई साहब बिल्कुल शांति से बैठकर बाबा को भजन सुनाओ, नाच लिए गा लिए आनंद मस्ती सब कर लिया, और थोड़ी देर बाबा को बैठ करके भजन सुनाएंगे। मेजर 4 देखो, अब ये फूल वगैरह बच्चों से निवेदन है, बैठ जाओ शांति से, अब थोड़ी देर बाबा को भजन सुनाएं प्रेम से भाव से, उसके बाद फिर बाबा को नाच कर गा कर रिझाएंगे, गरबा भी करेंगे, मैया रानी के दरबार में भी हाजिर लगाएंगे, और बाबा महाकाल की नगरी से आए हैं पंचेश्वर की नगरी में, तो दोनों महादेव का संगम करते हुए बाबा महाकाल के चरणों में भी हम लोग चलेंगे, बाबा महाकाल के भजनों का भी आनंद लेंगे। लेकिन जैसे सफर का मजा मारुति कार में आता है, वैसे भजनों का मजा भी थोड़े इंतजार में आता है, तो बैठे रहना। कौन कौन पूरी रात बैठने के लिए तैयार है यहाँ पर? सोच समझकर हाथ उठाना, तैयार है? देखो इधर से, ये तो सब तैयार है, इधर से आप लोग कितने लोग तैयार हो पूरी रात भजन सुनने के लिए? भजन सुनना है, सुनाना भी नहीं है, अब सुनने के लिए सब तैयार हैं। देखो यहाँ 3 रात हो गई है सोए हुए, शाम को प्रोग्राम करो, दिन में इधर उधर ट्रैवलिंग करो, फिर रात को कीर्तन करो, फिर ट्रैवलिंग करके 3 दिन हो गए सोए हुए, लेकिन फिर भी आज खड़े होकर के बाबा को भजन सुना रही है। बाबा के दरबार की ताकत है, बाबा के दरबार से ज्योति मिलती है और वहीं से प्रेरणा होकर के बाबा के भजन निकलते हैं, वरना हमारी कोई हैसियत नहीं है कि इस दरबार में खड़े हो भी जाएं हम सामने बाबा के। लेकिन वो खाटू वाला उसकी कृपा से चलाए जा रहा है और अपने भजन सुनवाए जा रहा है भक्तों को। तो बाबा को भजन सुनाने, बाबा को रिझाने के लिए इस दरबार में हम लोग बैठे हैं, तो बाबा को भाव से भजन सुनाएं, उसके बाद में फिर से नाचेंगे आनंद लेंगे मस्ती लेंगे, लेकिन कुछ देर भाव से बिल्कुल बैठ करके बाबा को भजन सुनाएं। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा